तो बीजेपी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर, एनडीए सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा। अब रुझान नतीजों में भी तब्दील होने लगे हैं। हरियाणा में 50-50 की स्थिति बनती हुई दिख रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। एक बार फिर से पिछला रिकॉर्ड दिल्ली में बीजेपी दोहराती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी नुकसान, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान, हालांकि मध्य प्रदेश में पूरी सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वैसे गुजरात में ये स्थिति है। वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं इस चुनावी नतीजों की कवरेज पर। वीरेंद्र जी, अब लगभग स्थिति साफ हो चुकी है क्योंकि 3 बजे के बाद की स्थिति है और थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि कौन कहां से जीता है और कितने वोटों से जीता है। बीजेपी एनडीए एक बार फिर से सरकार बना रही है। क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है क्योंकि 10 साल का कार्यकाल और उस दौरान की उपलब्धियों का आपने जिक्र किया, आपने वोट ले लिया, आप जनता के बीच में गए, राम वाले मुद्दे को आपने बखूबी निभाया और लेकिन उन सब के बावजूद पिछले जो आंकड़े थे उससे आप नीचे रह गए। जो आपने एक ये कहें गोल सेट किया था 400+ का, उससे आप पीछे रह गए। देखिए, ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी की आशा के अनुरूप तो नहीं रहे। देखिए, बहुमत के नज़दीक तो पहुंच गया गठबंधन, लेकिन नतीजे आशा के अनुरूप नहीं रहे। तो इसमें कमी कहाँ रही, इसका विश्लेषण अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसके पीछे क्या कारण रहे, जातीय समीकरण रहे या जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ है, हरियाणा के अंदर भी नुकसान हुआ है, ये कल्पना पहले से थी क्योंकि वहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये एक स्थिति बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय अवश्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग नहीं रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ वोट कम हुआ है, ये तो एक अलग मापदंड के आधार पर, अलग विश्लेषण के आधार पर मालूम होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आशाओं के अनुरूप जो है ये नतीजे नहीं कहे जा सकते। देखिए, 400 का लक्ष्य तो वैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था, ये तो कोई आवश्यक नहीं था, उस लक्ष्य तक पहुंचना था। तो बहुमत के नज़दीक गठबंधन है, ये उसके लिए संतोष की बात है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत है। इस बार विपक्ष भी बहुत मजबूत हुआ है। अभी देखिए, अभी जो नतीजे हैं, अभी ये जो बढ़त आ रही है इसमें कई अंतर बहुत कम है, कई सीटों पर अंतर बहुत कम है जी। जब ये नतीजे परिणाम में बदलेंगे, जब ये बढ़त है परिणाम में बदल जाएगी, तब तस्वीर का रुख दूसरा होगा, तब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों का अंतर कितना है, कितनी सीटें किस दल को मिलती हैं। अभी कुछ जल्दबाजी क्योंकि अंतर कम है, इस बार बहुत कांटे का मुकाबला है, कई सीटों पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो ये माना जाएगा कि ये अंतर जो है ये परिणाम में कैसे बदलता है, तब तस्वीर का रुख स्पष्ट होगा। बातचीत का दौर, फोन करने का दौर शुरू हो चुका है। एक खबर अभी थोड़ी देर पहले निकल कर आई, शरद पवार आए थे सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शरद पवार ने नीतीश कुमार से बातचीत की, इसके मायने क्या निकाले जाए, ऐसी खबरें आई। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में एक धारणा बनी हुई है, तो नीतीश कुमार अभी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में ऐसी धारणा बनी हुई है। तो लेकिन अब तो वो राष्ट्र एनडीए का वो घटक हैं और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई दूसरे दल के अंदर जाकर वो कोई ऐसी कोई बातचीत करेंगे, क्योंकि हालांकि देखिए राजनीति में अवसरवादिता तो रहती रहती है, लेकिन इस चरण पर आकर वो ऐसा कोई काम करेंगे लगता नहीं है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता और साख भी दांव पर है। और जब एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में सक्षम होगा तो नीतीश कुमार ऐसा मुझे नहीं लगता इस बार कोई पलटी मार पाएंगे और उनके पर मतदाताओं का दबाव भी रहेगा। तो कुल मिला के ये देखा जाएगा, इस बार तो बहुत जल्दबाजी है अभी कुछ कहना, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत के करीब है और उसको क्योंकि जो अंतर है सीटों का, जो मुकाबले का अंतर है, वो बहुत कुछ कम है। तो तब जो तस्वीर, वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, उसके बाद ठोस प्रमाणिकता के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। बात थोड़ा सा हरियाणा की करते हैं। लोकसभा चुनाव का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, हालांकि वो जीत रहे हैं। इस उपचुनाव को किस तरीके से देखें, मनोबल सैनी साहब का बढ़ेगा, बीजेपी का बढ़ेगा, आगे लोग विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। देखिए, कांग्रेस को अगर इस सीट से कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं था, एक अगर कांग्रेस इस सीट पर जीत जाती तो हरियाणा में परिवर्तन आता, लेकिन मनयाब सैनी देखिए जो उपचुनाव है वो सत्तारूढ़ दल जीतता आया, ये एक परंपरा रही है। और देखिए वहाँ अब मनोहर लाल जी ने जब विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और नायब सैनी के लिए एक सीट खाली करनी थी, तो उसके लिए करनाल ही उनके लिए अवसर था। हालांकि देखिए वहाँ के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया,
वहां के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हर बार जो है बाहर से पैराशूट से अगर उम्मीदवार आकर लड़ते रहेंगे चुनाव तो हमारी लोगों की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन जब मनोहर लाल जी आए तब भी उनका विरोध हुआ था 2014 में, तब वहां के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखलाए थे, पुतले भी जलाए थे और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि जो लोग पुतले जलाने वाले थे, विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, वो बाद में मनोहर लाल जी के साथ ही शामिल हो गए, उनके समर्थक ही बन गए। लेकिन इस समय यही स्थिति अब नैब सैनी के साथ होनी है। लेकिन नैब सैनी का विरोध तो नहीं हुआ क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि उपचुनाव था और 3 महीने के अंदर कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि 3 महीने की बड़ी संक्षिप्त अवधि थी, इसके लिए कोई विधायक नहीं बनना चाहता। तो कांग्रेस के टिकट के लिए भी कोई तैयार नहीं होता, कोई उत्साह नहीं था कि 3 महीने के अंदर 3 महीने के लिए कौन विधायक बनना चाहेगा। तो और देखिए उस समय त्रिलोचन सिंह क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो इसलिए त्रिलोचन सिंह को ही टिकट देने के लिए ज़्यादा महत्व दिया गया। विंदर सिंह हुड्डा उनके पक्ष में थे, हालांकि सुमिता सिंह भी दावेदार थी जी, भीम मेहता का भी नाम जिक्र आया, चर्चा में आया, लेकिन क्योंकि वो इंद्री के रहने वाले हैं लेकिन वो ज़्यादा उनका भी उत्साहित नहीं थे। तो कुल मिला के त्रिलोचन सिंह ने चुनाव तो लड़ा लेकिन गंभीरता के साथ नहीं लड़ा। अगर वो गंभीरता के साथ चुनाव लड़ते जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी थी तो चुनाव का रुख कोई परिणाम जो है दूसरा भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई इतना ज़्यादा उत्साह नहीं था। फिर त्रिलोचन सिंह ने आरोप भी लगाया कि कुछ पार्टी के लोगों ने भी उनका विरोध किया।